एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये डीसी फैन डिमर के बारे में है। आजकल जो हमारे फैंस हैं, कूलर्स वगैरह होते हैं, उनमें फैन डिमर नहीं लगा होता, तो उस वजह से उसकी जो मोटर ख़राब होने का खतरा होता है। उसकी मोटर की प्रोटेक्शन के लिए डिमर लगा लें तो बेहतर है, ना लें तो चलते रहते हैं, कोई मसला नहीं होता। पर लगा लें जो सर्वर की पावर सप्लाई होती है उसके साथ ये मसला आता है कि वो 12 से 13 वोल्ट की तरफ जाती है, तो उससे मोटर गर्म होने लग जाती है। तो इसको बनाने के लिए जो कंपोनेंट है वो आपको मैं बताता हूँ। ये हमें एक सिलेक्टर स्विच चाहिए। ये जो आम हमारे दूसरे जो केसी वाले वाटर कूलर होते हैं उनमें यूज होता है। ये आपको मार्केट से सिर्फ 30 रुपये का मिल जाएगा। और उसके साथ हमें ये डायोड्स चाहिए। ये बड़े वाले डायोड 10 एम्पीयर के, ये हमें चाहिए। अब इसके हम आपको कनेक्शन सोल्डरिंग करके बताते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। अब इसके मैं आपको कुछ कनेक्शंस के बारे में बताता हूँ। डायोड्स के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक को एनोड और कैथोड के। इनमें जो फर्स्ट टर्मिनल यानी कि ये जिस तरह ज़्यादा ब्लैक वाला हिस्सा है, ये पॉजिटिव का होता है, और ये जो दूसरा वाला जिसमें हल्की सी वाइट सी लाइन है, ये नेगेटिव पॉइंट है, इसे कैथोड कहते हैं। तो हमने कनेक्शन इस तरह ने इस सिलेक्टर स्विच के 3 पॉइंट्स थे। ये इसका मेन पॉइंट है जहाँ से हम इसको जो मोटर का कनेक्शन का हम यहाँ से देंगे, और दूसरा कनेक्शन हम यहाँ से दोनों फर्स्ट वाले पॉइंट से हम इसके कनेक्शन यहाँ से देंगे। तो इसके कनेक्शन करने हैं जो हमने ये हमारी दोनों सारों की ये जो नेगेटिव साइड है, ये हमने एक सीक्वेंस सीरीज में लगानी है। इसकी नेगेटिव, इसकी आगे ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव, और उसके बाद लास्ट में ये नेगेटिव। तो ये सब जो नेगेटिव है ये हमारे एम्पीयर्स को डाउन करेंगे और हमारी मोटर की स्पीड कंट्रोल होगी। इस तरह ये एक सिंपल सा हमारा डीसी फैन डिमर बन चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं आपको कूलर के साथ अटैच करके इसकी कंट्रोलिंग स्पीड दिखाऊंगा, ये किस तरह कंट्रोल करता है। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। एक बहुत सिंपल सा सर्किट है ये, तकरीबन 60 रुपये में आपका ईजीली तैयार हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।